Dear students, Assalamu alaikum. I hope you are all fine and doing very well. Today we will start an English language work. As you have already made title page of midterm and index, now we start working from an essay. So student, write an essay, write question, write an essay on my dream. My dream means mera khwab. Okay, now we start. Make paragraph and write. Everyone has a dream to achieve something in his her life. Har kisi ka zindagi mein kuch na kuch hasil karne ka khwab hota hai. My dream is to become a scientist. Mera khwab sainsdan banne ka hai. My inspiration is Dr. Abdul Kalam. Main jis shaksiyat se mutasir hoon wo Dr. Abdul Kalam hai. He was an aerospace scientist. Wo ek aerospace scientist hai. स्टूडेंट्स, एरोस्पेस साइंटिस्ट वो होते हैं जो खला में मौजूद गाड़ियाँ बनाते हैं, जैसे आपकी स्पेसशिप हो गई, हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन हो गया, एट्सेट्रा. ओके, नाउ चेंज द पैराग्राफ. स्टूडेंट प्लीज़ बी केयरफुल व्हेन यू चेंज द पैरा. जब आप पैराग्राफ को चेंज करेंगे तो आप सेकेंड पैराग्राफ को वहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे जहाँ से आपका फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हुआ था. उसी की लाइन में आप सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ स्टार्ट राइटिंग. साइंटिस्ट सॉल्व ग्लोबल चैलेंजेस एंड दे ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी नाउ एंड देन. साइंटिस्ट जो हैं वो आलमी मसाइल को हल करते हैं और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं. व्हेन आई बिकम, जब मैं अ साइंटिस्ट एक साइंसदान बन जाऊंगा, आई वॉन्ट टू हेल्प, तो मैं मदद करूंगा सोसाइटी रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, तो मैं अपने मुआशरे की मदद करूंगा उनको इनकलाबी ख्यालात देकर. ये आपका ऐसे था. इट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.